हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों कैलपॉल 250 mg सस्पेंशन के बारे में, जो दोस्तों बच्चों के लिए यूज़ की जाने वाली सस्पेंशन है या सिरप है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लीजिए दोस्तों, पैकिंग देखिए बहुत बढ़िया है इसकी। इसमें जो दवा मिली है दोस्तों 60 ml दवा आती है, ये GSK कंपनी का है और जो उसकी MRP है वो है 39 रुपये है। और दोस्तों ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों ये पेडियाट्रिक यूज़ ओनली है, यानी ये बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। जो कैलपॉल 250 mg सस्पेंशन है, ये एक हल्के एनाल्जेसिक के रूप में जाना जाता है। यह बुखार के इलाज के लिए और सिर दर्द के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है इसका दोस्तों। यह दोस्तों सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दर्द निवारक है दोस्तों। इसका उपयोग जो है पीठ दर्द, सिर दर्द, गाठिया, दांत दर्द आदि मामलों में ये राहत पहुंचाता है दोस्तों, और इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इस दवा का यूज़ जो है बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह दवा शरीर से गर्मी के प्रभाव को बढ़ाकर बुखार को कम करती है दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है और सिर दुखता है उसको बहुत ज़्यादा, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको दोस्तों कैफीन और एस्पिरिन के साथ अगर मिला के लिया जाए तो इसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है और दर्द से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस दवा की सलाह कब दी जाती है लेने के लिए। जैसे बच्चों को अगर बुखार है या फीवर है तब कैलपॉल ड्रॉप यानी कैलपॉल सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, या बच्चों को अस्थायी रूप से बुखार है तब इसको कैलपॉल सस्पेंशन के लिए देने के लिए कहा जाता है दोस्तों। अगर बच्चे का सिर दर्द कर रहा है या माइग्रेन से सिर दर्द कर रहा है तब इसकी सलाह दी जाती है। अगर मांसपेशियों में ऐठन है या मांसपेशियों में दर्द है तब भी इसकी सलाह दी जाती है दोस्तों। मुझे जोड़ों के दर्द के लिए भी कारगर माना जाता है दोस्तों। अब इसका डोज देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो डोज है वो 2.5 साल के जो बच्चे हैं या 2.5 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसको 2.5 ml पिलाना है, और जो 5 साल के बच्चे हैं या 5 साल से ऊपर के हैं उनको 5-5 ml पिलाना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। और दोस्तों जो बड़े बच्चे हैं जो दवा खा लेते हैं यानी ये दवा खा लेते हैं उनको 1-1 गोली सुबह शाम खिलाना है, और जो 20 साल या 25 साल से ऊपर के हैं उनको ये खिलाना है दोस्तों 650 mg कैलपॉल 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, दस्त लगना, मुँह में छाले हो जाना, थकान लगना आदि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। और दोस्तों ये दवा जो है डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। डॉक्टर जो डोज बताए आपको वही डोज लेना है, ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं फिर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कैलपॉल 250 mg सस्पेंशन के बारे में और टैबलेट के बारे में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।